यार चल इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ मोमो? नहीं 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 हुआ सुल्तान। सुल्तान हुआ? सुल्तान तो मैं आपको कह रही हूँ सलमान। अरे मेरा नाम महमूद है भाई, महमूद। हाँ महमूद, मैंने बहुत बुरा वो देखा है। वो क्या? जिसे देख के मैं डर गई ना। आईना? आईना नहीं, वो जो रात में नजर आता है। तुम्हें रात में आईना नजर नहीं आता? अरे वो जो रात को सोते ना तो नजर आता है वो। अच्छा अंधेरा? नहीं वो। ओ भाई मुझे माफ कर दे, मुझे सोने दे, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। हाँ हाँ ख्वाब, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? क्या देखा बता तो रही हूँ, ख्वाब देखा। ओ ख्वाब में क्या देखा? मैंने देखा मैं समंदर में गिर गई। और क्या? अरे और क्या देखा? समंदर में नहीं, ख्वाब में। हाँ मैंने देखा कि मैं डूब रही हूँ ना, तो मेरा सांस रुकने वाला है, तो अचानक मेरे सामने ना बहुत बड़ी सी मछली आ गई है। तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, फिर आँख खुल गई। मछली की? नहीं मेरी, शुक्र है मेरी आँख खुल गई, वरना तो उस मछली ने मुझे खा लेना था। चलो दोबारा सो जाओ मोमो। क्यों? हो सकता है ख्वाब पूरा हो जाए। मेरा? नहीं मेरा। नहीं 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 नहीं। नबील खूबसूरत, क्या हुआ? मत पूछो। क्यों ना पूछूं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बताओ मुझे। कैसे बताऊँ? कोई डरावना ख्वाब देखा क्या? बहुत डरावना, खूबसूरत बहुत। क्या देखा? मैं नहीं बता सकता। नबील बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम बताओ। खूबसूरत मैंने देखा। हाँ? कि मुझे नौकरी मिल गई है। What? तुम्हें भी बुरा लगा ना? बहुत ज्यादा। शुक्र है मेरे अल्लाह, ये ख्वाब ही था। कौन है? जाहल मोहल्ले वाले, बैल बजा के छेड़ दे मुझे। मैंने तो कभी जवानी में परवाह नहीं की इन बैलों की। जाहल बैल, तूने बजाई थी? खूबसूरत। बैल खूबसूरत ने बजाई थी? माँ जी मेरा नाम खूबसूरत है। इसका मतलब है कि बैल तूने बजाई थी बच्चू। कौन सी बैल? जो अभी बज रही थी वो वाली बैल। माँ जी दरवाजे की बैल नहीं बज रही थी, फोन की बज रही थी। तो तूने उठाया क्यों नहीं? मैं मुंह धो रही थी। किसका? अपना और किसका। तो दिल से बोल देती। नबील? हाँ नबील, उससे बोल देती। मुंह धोने के लिए? नहीं फोन उठाने के लिए। माँ जी नबील अंदर सो रहा है। उठा। आप खुद उठाएं, मैं नहीं उठा रही। ले फिर मैं भी नहीं उठाती। तो कह रही थी मैं नहीं उठाऊंगी। मैं नबील की बात कर रही थी माँ जी। लेकिन बज तो फोन रहा था। हेलो दादी जान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? कब? रियली? आप मजाक तो नहीं कर रही दादी जान? मैं बहुत खुश हूँ। ओके खुदा हाफिज। किसका फोन था? मेरी दादी का। तेरे खानदान में मरने का रिवाज नहीं है? ये लाइन कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। कोई नहीं, राइटर ने रिपीट कर दी होगी। मैंने बिल को बता क्या? उसको पता है, वो उसका दोस्त है ना राइटर। ले भाई इसका बाप भी जिंदा है तो बाप की माँ भी जिंदा है, तो फिर इसकी माँ को क्या मौत पड़ गई थी मरने की? नबील क्या हुआ? मेरी दादी आ रही है। तुम्हारी दादी? हाँ। तुम्हारी दादी कहाँ से आ रही है? आई नहीं है, आ रही है कनाडा से।
कहाँ? हमारे घर। इसका मतलब है जानू तुम 2-3 महीने के लिए अपने घर जा रही हो? नबी, वो यहाँ आ रही है हमारे घर। खूबसूरत, मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को पालने के लिए नहीं लिया था ये घर, जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है। नबी, ये घर मेरे पापा ने दिया। हाँ, मैंने तो लिया है ना। बोलो अपनी दादी को, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। तुम मेरी दादी को जानते नहीं हो नबील। मैंने जानना भी नहीं है। करोड़पति औरत है वो। तो मैं क्या करूँ? अगर वो किसी से खुश हो जाए ना तो उसकी किस्मत बदल जाती है। बड़ी आई किस्मत बदलने वाली। हाँ, करोड़ 2 करोड़ तो हमारे रिश्तेदारों में बांट चुकी है। तो हो सकता है कि वो हमसे खुश होके ये घर हमें खरीद दे। कब आ रही है मेरी प्यारी दादी जान? जल्दी। ऐसे क्या देख रही है? कभी खूबसूरत औरत नहीं देखी क्या? आप कौन? तुझे दूरबीन लगाकर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये दूरबीन नहीं है, चश्मा है। तो तुझे चश्मे में मैं दिखाई नहीं दे रही? लेकिन आपने तो चश्मा नहीं पहना हुआ। ओ माय गॉड, जाओ मालकन को बोलो मैं आई हूँ। आप यहाँ काम ढूंढने आई हैं? हमें काम वाली नहीं चाहिए। मैं तुझे काम वाली लगती हूँ? मैं मलका हूँ, मलका, समझी? अच्छा, तो पहले डांस करके तो दिखाओ। क्या बकवास कर रही है, मैं डांस क्यों करूं? नारकली तो करती थी। ओह स्टूपिड, वो कनीज थी। हाय, नारकली नहीं थी दादी। ओह माय डार्लिंग, खबरदार मुझे दादी बोला तो। हटाओ, ये मेरी पोती है, मुझे दादी कह रही है। गॉड, कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। खूबसूरत, कितनी बदतमीज नौकरानी रखी हुई है तुम। आप अंदर चलो। शोहर है ये मेरे वो हैं। तुम दोनों ने एक आदमी से शादी की हुई है? नहीं दादी, मेरे शोहर ये हैं नबील। मेरे शोहर ये हैं वो महमूद। हाँ, जाओ जाओ जल्दी खोलो, जाके जल्दी खोलो इनको, ओ दरवाजे को। इस वक्त कौन हो सकता है? मेरा सामान होगा। ये आपके सामान ने बेल बजाई है? अपने बाप से कहो मुझसे ज्यादा छिछोरपन करने की कोशिश मत करे। मैं इसका शौहर हूँ। मैं देखता हूँ। देखने की क्या जरूरत है नबील, तुम्हें तो पता है। ओहो महमूद साहब, मैं दरवाजे में देखता हूँ कौन है यार। अच्छा, ये सब सामान में से निकले हैं? आप क्या रुमाल में से कबूतर भी निकालती हैं? शट अप, लो पकड़ो। दादी, इतने सारे सूटकेस? आप क्या संडे मार्केट में धोखा लगाती हैं? हाँ बेटा, कनाडा में असल में बहुत बड़ा बिजनेस था, मैंने सब कुछ वाइंड अप कर दिया और मेरी सारी जिंदगी की कमाई अब इसके अंदर है और अब सोच रही हूँ कि यहाँ कारोबार। महमूद साहब। हाँ नबील, आए जरा लॉन में चले। क्यों, कुछ सामान और रह गया है? ओ मेरी बात तो सुने आए। महमूद साहब, क्या आपने देखा तुम्हारी माँ का मुंह? नहीं यार, सूटकेस। हाँ, उसमें क्या होगा नबील? डॉलर्स होंगे यार महमूद साहब। इतने सारे? हाँ महमूद साहब, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, आज रात को ही लेके भाग जाते हैं। दादी को? सूटकेसों को। महमूद साहब, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक दफा नहीं काटना यार। हाय, वो औरत मुर्गी है,
इसीलिए तो मैं बोलूं इतनी कड़क क्यों है। कड़क? हाँ 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 वही। महमूद साहब हमें दादी का दिल जीतना है यार। कैसे? दादी को खुश करके। मोमू मोमू नहीं दादी जान। खूबसूरत, मुझे ये औरत ठीक कैरेक्टर की नहीं लगती है, और या फिर इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। हाँ? मैं तो आपको खुश कर रही थी। नाम क्या है इसका? मुमताज़। ओह माय गॉड, कैसा मर्दों वाला नाम है। हाँ जी, ये मर्द ही हैं। मैं तेरी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, ये मेरे ही मर्द हैं। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली है। हाँ जी बिल्कुल खाली है, आप ऊपर रहेंगी। चुप कर। कैसी बात है दादी, दबा आपको आराम, सुकून मुझे मिल रहा है। नहीं, आराम आराम से दबाओगे तो सुकून ही मिलेगा ना। जोर से दबाओ। ओ माय गॉड, कितने मर्दाना हाथ हैं। आपके? तेरे। हाँ? जब भी तो मैं कहूँ अपना हाथ पकड़ती हूँ तो गुदगुदियाँ क्यों होने लगती हैं? ओ चुप कर। हाँ? तालीम कितनी है तुम्हारी? 8 क्लास तक पढ़ा है जी। तुमने सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है? हाँ जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं इनसे पूछ रही हूँ। वो दादी जान, मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर्स? किस चीज में? टेलरिंग में। मैं मोसा। तुम क्या करते हो? इन्हें पेंशन मिलती है दादी जान। किस चीज की पेंशन मिलती है? क्या गालिब का नवास है? तुम काम काज क्यों नहीं करते? दादी जान, बेसिकली मेरा जो माइंड है ना वो बिजनेस का है, कारोबार ही करूंगा। क्या मरने के बाद करोगे? जी। पहले नौकरी करो, नौकरी उसके बाद कारोबार हो सकता है कोई। हाँ, इतनी आसानी से दादी जान कारोबार नहीं करवा कर देंगी, पहले नौकरी करनी होगी बच्चू। नौकरी तो जानू, मैं यूं कर लूंगा। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ तुझे, ठीक है? चल भाई नहारी बना। ये नहारी बनाने के लिए 2 दिन का टाइम कुछ ज्यादा नहीं है? ओ माय गॉड, 2 दिन का टाइम मैं तुम दोनों को नौकरी ढूंढने के लिए दे रही हूँ। क्या क्या? महमूद साहब, दादी को दिखाने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी यार। क्यों? हो सकता है वो हमें चेक करना चाहती हो कि हम कितने मेहनती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? किससे? चल शरीर कहेगी। महमूद साहब, भाई अपनी उम्र भर की पूंजी लेके आई है, हो सकता है कि हमें कोई कारोबार करवाना चाहती हो। हाँ भाई, नारी बन गई है, यही ले आओ। आप यहाँ निहारी खाएंगी जुलेखा बाजी? मलका। मलका खाएंगी? बकवास बंद कर और निहारी लाके यहाँ डाइनिंग पे रख। पहले यहाँ डाइनिंग रखना पड़ेगी। हाँ तो रखी भी तो है, दिखाई नहीं देता। ठीक है इनकी, क्या लेकर आ जल्दी खाना। अपना नबील। दादी मैं यहाँ हूँ। हाँ नबील, मैं ये कह रही थी कि जरा ये जो एसी है इसको जरा हल्का करो भाई, सर्दी सी लग रही है कुछ है। मुझे लगता है इन्हें दिखाई नहीं देता। मसरूर? मसरूर तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। महमूद साहब। हाँ हाँ महमूद, मुझे लगता है इनको दिखाई नहीं देता। क्या? माँ जी ठीक कह रही है महमूद साहब, मुझे लगता है दादी को रात में दिखाई नहीं देता। अरे तो इसमें खुश होने की क्या बात है? हमें नौकरी मिल गई है और मैं खुश भी ना हूँ। नौकरी? हाँ महमूद साहब, नौकरी। दादी जान, दादी जान मुबारक हो। किस बात की मुबारक? इसको वो मिल गई है। वो क्या? वो जो कभी इसे मिली ही नहीं थी। इज्जत? नहीं वो। अरे क्या वो? नौकरी दादी? हाँ हाँ दादी, इसको दादी मिल गई है। माँ जी नौकरी? हाँ नौकरी मिल गई है। नबील तुम्हें नौकरी मिल गई, तुमने मुझे बताया नहीं। जानू जब तक हमें आइडिया आया था तुम सो गई थी। What? अरे दादी जान मिठाई तो खाए ना भाई। मुबारक हो तुम्हें, बहुत मुबारक हो।
अब मुझे भी नौकरी मिल गई है। तुम्हारी मिठाई कहाँ है? नबील मेरी मिठाई कहाँ है? महमूद साहब आपकी? हाँ आपकी ये रही। आया ये मिठाई है या दांत दर्द की दवाई? कैसी जॉब है? रात की जॉब है दादी जान। हम रात को जाया करेंगे और सुबह सवेरे आ जाया करेंगे। भाई मिली कहाँ है नौकरी? लो जी ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था। माँ जी रेस्टोरेंट में जॉब मिली है, जब बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट तो हिसाब किताब चेक करना है। और तुम्हें? मैं ये चेक करूँगा कि ये हिसाब किताब ठीक करता है या नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी दोनों ने संभाल लिया मैं। क्या घर का खर्चा? खूबसूरत बेटा आपको खुश है ना, मैंने सब ठीक कर दिया। जी दादी आज के बाद से वो दोनों जाएंगे नौकरी पर, तेरी सास पकाएगी खाना और तू करेगी ऐश। यस आई लव इट। अच्छा अब बस अब अंदर चलते हैं, लॉन में ठंड है। अब दादी जान हम लॉन में नहीं है, लाउंज में बैठे हैं। अच्छा दादी जान हम जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? नौकरी पे, अब सुबह ही आएंगे। नबील नहीं खूबसूरत, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मुझे रोकोगी नहीं, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा दादी जान दुआ कीजिएगा, आज जॉब का पहला दिन है। ये इधर इधर मुझे प्यार दे दीजिए। मुझे भी, मैं भी इधर ही हूँ। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ दादी, खुदा हाफिज़। खुदा बाय बाय। इतना बड़ा झूठ नबील। जिस झूठ से किसी की जान बच जाए वो झूठ सच से बेहतर होता है खूबसूरत। अच्छा इस झूठ से किसकी जान बच रही है? मेरी जानू? बड़ी घटिया इंसान हो वैसे तुम नबील। खूबसूरत खूबसूरत जी दादी। हाँ ये तुम्हारे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो कुछ नहीं दादी, पता नहीं वो तकलीफ है थोड़ी। आवाज में? नहीं नहीं गले में। अच्छा तुझे रात को अकेले डर तो नहीं लगे? दादी मैं अकेली कहाँ हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप है ना मेरे साथ। अच्छा चल चल जरा खूबसूरत बेटा मुझे जरा टीवी खोल दे, मैं थोड़ी देर जरा टीवी देखूंगी। दादी टीवी तो खुला है। हाँ मुझे तो पता है टीवी खुला है, मैं तो तुझे चेक कर रही थी कि तुझे पता है कि नहीं पता। अच्छा चल नौकरी की वजह से आप हम लोग जल्दी कमरे में आ जाया करेंगे। कौन लोग? हम लोग मोमो है। एक बात तो बताएं नैयर। कौन नैयर? नैयर इजाज। ओहो मेरा नाम महमूद है, नैयर इजाज तो बड़े मुंह वाला है। हैं? हाँ। तो आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुमसे बातें कर रहा हूँ जादू। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बैठ रही हूँ, नींद नहीं आ रही। बताएं न्याज। न्याज कौन? तुम्हारा नाम तो मुमताज है। हाँ मुमताज को ना नींद नहीं आ रही। चलो फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारे पास सो जाती हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। यार नबीली से तो बेहतर था कि हम बाकी नौकरी कर लेते। यार महमूद साहब मैं चार दिन से नहीं सोया यार। मैं ऐसे नहीं रह सकता भाई, मैं भी ऐसे नहीं रह सकता। तो चलो फिर दादी को बता देते कि हम नौकरी छोड़ आए हैं। नबील महमूद नबील
दादी आपने सुन लिया? सुन नहीं, देख लिया। एक ही बात है, मैंने देख लिया कि तुम लोग वाकई बहुत मेहनती हो और आज से तुम दोनों नौकरी पर नहीं जाओगे। क्या? लेकिन दादी हमें तो बहुत मजा आ रहा था जॉब पे, क्यों महमूद साहब? नहीं देखा आपने? देखो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इन सूटकेसेस में जो भी जमा पूंजी लाई हूँ उनसे तुम दोनों कारोबार करोगे। क्या? नहीं दादी। नहीं? हाँ दादी, मेरा मतलब क्यों नहीं। चलो जाओ सूटकेसेस लेकर आओ। महमूद साहब लॉटरी निकल गया, सूटकेस लाए। चलो सूटकेस आ गए। दादी इनमें तो कपड़े। हाँ बेटा, असल में कनाडा में ये कोई नहीं खरीद रहा था और वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करके गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। है जी? हाँ, अब यहाँ ये कपड़े तुम लोग बेचना। आप यहाँ शॉप खोलेंगी? अरे बेटा, शॉप के पैसे कहाँ है मेरे पास। तो फिर हम इन्हें बेचेंगे कैसे? भाई तुम दोनों घर घर जाओगे और बेचोगे। क्या? चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकल।